बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फेमिनिन ड्रिल। आज की वीडियो में आपके लिए स्पेशल है, कुछ नया है, डिफरेंट रेसिपी है, जो कि है चिकन पकोड़ा पुलाव। 2020 की नई रेसिपी, नई डिश, नए अंदाज में पुलाव को एंजॉय कीजिए। चिकन पकोड़ा पुलाव बहुत ही टेस्टी, यमी और अमेजिंग सी रेसिपी है। आप आइए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, ट्राई कीजिए, अगर पसंद आए फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए। चिकन पकोड़ा पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने करनी है चिकन की मैरिनेशन। मैरिनेशन करने के लिए बाउल में ले लिया है बेसन, जिसकी मिकदार है 2 टेबलस्पून। साथ ही इसमें ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून दही। साथ ही हम ऐड कर देंगे लहसुन कुटा हुआ 1 टेबलस्पून। हसबे जरूरत, हसबे जायका जाएगा नमक। पिसी लाल मिर्च जाएगी 1/2 टेबलस्पून। कुटा हुआ सफेद जीरा 1/2 टेबलस्पून। धनिया पाउडर 1/2 टेबलस्पून। चिली सॉस 2 टेबलस्पून। सोया सॉस 2 टेबलस्पून। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेने के बाद अब जस्ट एक दफा इस पेस्ट को मिक्सअप कर लेना है। मिक्सअप कर लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सिरका। सिरके की मिकदार जो मैंने यहाँ पे लिया है वो है 2 टेबलस्पून। ये ऐड कर लेने के बाद अगेन से एक दफा इसको मिक्सअप कर लेना है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेशन के लिए चिकन। चिकन की मिकदार यहाँ पे मैंने ली है 3 पाव। चिकन ऐड कर दिया है, अगेन से चिकन की इस पेस्ट के साथ अच्छे से मैरिनेशन कर लेनी है। और प्रॉपरली मैरिनेट कर लेने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस। लेमन जूस मैंने लिया है 1 ही नींबू का रस। उसको अच्छे से यहाँ पे ऐड करके मिक्सअप कर लेना है। लास्ट में यहाँ पे मैं अच्छा सा कलर देने के लिए, टोटली ऑप्शनल है ये स्टेप, मैं दही में 2 खाने के चम्मच दही में ऐड कर रही हूँ पिंच ऑफ फूड कलर, येलो फूड कलर लिया है। अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, नो इश्यू, जस्ट ऑप्शनल है ये स्टेप। अगेन से इसको मिक्सअप करके मैरिनेशन के लिए रख देना है 40 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास चिकन मैरिनेशन के लिए तैयार है। साथ ही नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जिसमें मैंने ले लिया है चावल, जिसके मिकदार है 3 पाव। इनको अच्छे से धो के भिगो के पहले ही रख देना है। चिकन को 40 मिनट हो चुके हैं, इसलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जहां पे हमने चिकन पकोड़ा फ्राई करना है। चिकन को एक जैसा कलर आने तक फ्राई करना है। और अच्छे से यहाँ पे देखिए कलर तो आ चुका है, लेकिन अगेन से जरा लिड कवर कर देनी है कुछ मिनट्स के लिए, ताकि चिकन अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए और यमी यमी ये चिकन पकौड़ा रेडी हो जाएगा। जबरदस्त है चिकन पकौड़ा यहाँ पे मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। अब इसको जस्ट डिश आउट कर लेना है और अब मूव करते हैं पुलाव की तैयारी के लिए। पुलाव बनाने के लिए हम वही ऑयल इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने चिकन को फ्राई करने के लिए इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे ये 1.5 प्याली ऑयल आ जाएगा और इसको हमने इसी तरीके से स्टोव पे रख देना है। उसके बाद इसमें ऐड कर देना है अनियन। तो यहाँ पे मैंने अनियन पेस्ट ऐड कर दिया है, जिसकी मिकदार है 1 बाउल। थोड़ा सा अनियन को यहाँ पे भून लेना है। भून लेने के बाद जब कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर प्यूरी, जिसकी मिकदार है 1/2 बाउल। अब यहाँ पे इस पेस्ट को थोड़ा सा भून लेना है। भून लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक जाएगा हसबे जरूरत, हसबे जायका। आप अगेन भी चेक कर सकते हैं, कम हो तो आप मजीद भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें ऐड कर देना है पिसी लाल मिर्च, जिसकी मिकदार है 1.5 खाने का चम्मच। मसाला अच्छे से भून लेने के बाद इसमें हम डाल देंगे अब पानी। पानी की मिकदार है 1.5 लीटर। 3 पाव चावल, 3 पाव चिकन और उसके मुताबिक यहाँ पे पानी जाएगा 1.5 लीटर। अब यहाँ पे खड़े मसाला जाते हैं, मैं ऐड करूंगी दालचीनी स्टिक 1 अदद, उसको मैंने तोड़ लिया था। साथ ही यहाँ मैं ऐड कर दूंगी तेजपात 1 अदद, सफेद जीरा 1 खाने का चम्मच, बड़ी इलायची 1 अदद और साथ में जाएगा बादियान का फूल 1 अदद। ये चीजें ऐड कर लेने के बाद एक दफा इसको मिक्सअप कर लेना है। मिक्सअप कर लेने के बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे भीगे हुए चावल। पानी वहां से रिमूव कर देना है और उसके बाद यहाँ पे भीगे हुए चावल ऐड कर देने हैं। चावल की मिकदार यहाँ पे दुगनी हो चुकी है और पानी काफी हद तक यहाँ पे कम हो गया है। तो अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ वही मसाला जिसके अंदर हमने पूरे का पूरा पेस्ट बनाया था और जिसके अंदर हमने चिकन को मैरिनेट किया था। तो उसमें सिर्फ 1/2 प्याली पानी डाल के उसको तमाम मसाले के समेत यहाँ पे ऐड कर दिया है, क्योंकि टेस्ट जो है वो बहुत अमेजिंग आएगा जब आप पुलाव में इस तरीके से मसाला ऐड करते हैं। यहाँ पे पानी काफी हद तक कम हो चुका है, अब हम इसको दम लगाएंगे। दम लगाना है तकरीबन
15 मिनट के लिए और आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है। साथ ही यहाँ पे प्लेस कर देना है चिकन पकौड़ा जो कि हमने बना के पहले से ही फ्राई करके रख लिया था, तो यह अमेजिंग सा पुलाव बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। सो फाइनली यहाँ पे देखिए दम मैंने हटा दिया है और जबरदस्त सा पकौड़ा पुलाव यहाँ पर तैयार हो चुका है। चिकन पकौड़ा पुलाव अमेजिंग सा है, जैसे ही दिखने में नजर आ रहा है टेस्ट में तो है ही अमेजिंग। अब डिश आउट करने का वक्त आ चुका है। देखिए चिकन पकौड़ा पुलाव बिल्कुल निखरे हुए चावल के साथ यहाँ पे रेडी हो चुका है। बहुत ही अमेजिंग परफेक्ट और डिलीशियस सी रेसिपी है जो कि बिल्कुल न्यू भी है। चिकन पकौड़ा पुलाव तैयार कीजिए। पुलाव तो आपने बहुत से खाए होंगे लेकिन चिकन पकौड़ा पुलाव भी जरूर बनाइए, इंजॉय कीजिए, खानों में वेरिएशन लाइए, ट्राई कीजिए। यखनी पुलाव के लिए 2.5 किलो बीफ हड्डियों वाला ले लिया है और इसमें 2 जग पानी मैंने डाल लिए हैं। जब इसमें बॉईल आ जाएंगे तो मैं साबुत मसाला जात डालूंगी। साबुत गरम मसाला जात में मैंने लिया है 1 तेज़पात, 2 बादियान के फूल, दालचीनी स्टिक्स 2, चंद लौंग, 1 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची, और साथ में हम लेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। व्यूअर्स ये अच्छे तरीके से इसमें उबाल आ चुके हैं, इसकी झाग मैंने उतार ली है। अब ये तमाम मसाला जात मैं इसमें डाल दूंगी। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 छोटे साइज के प्याज, 2 हरी मिर्च और चंद लहसुन के जबे। इन सबको साबित डाल देंगे। नमक खसपे जायका मैंने 1 बड़ी चम्मच ली है, साथ ही हल्दी 1 छोटी चम्मच, ये भी इसी स्टेज पे यहाँ डाल देंगे। अब एक दफा इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको एक दफा मैंने मिक्स कर लिया है व्यूअर्स, अब हम इसको ढक देंगे। गोश्त के गलने तक हम इसको ढका रहने देंगे। जी व्यूअर्स, 2 किलो चावल मैंने ले लिया है और इनको मैंने पानी में 1 घंटा भिगो के रख लिया है। 2.5 किलो गोश्त लिया था और 2 किलो चावल लेंगे। 1.5 पाव हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। 2 दरमियानी साइज के प्याज, इनको मैंने कट कर लिए हैं, ये डाल देंगे। इनको लाइट ब्राउन कर लेंगे। आधा ग्लास इसमें पानी डाल देंगे। आधा ग्लास पानी डाल देने के बाद इसको ढक देंगे। चार टमाटर मैंने कट कर लिए हैं, अब हम इनको घी डाल देंगे साथ। नमक हस्बी जरूरत, पिसी लाल मिर्च 2 बड़े चम्मच, पिसा धनिया या धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, ये हमने यखनी में भी डाला था और अब हम इसमें भी डालेंगे। सारा गोश्त यखनी में से निकाल लेंगे और हड्डियाँ गोश्त से अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स, गोश्त मैंने अलग कर लिया, अब हम इसको इस मसाले में डाल देंगे। गोश्त को हम इस मसाले में भून लेंगे।
गोश्त को अच्छे तरीके से हमने भून लिया है। फ्रेंड्स, चावल हमारे पास 2 किलो हैं, तो इसमें 4 किलो पानी जाएगा, आधा किलो ये यखनी है और 3.5 किलो हम पानी डालेंगे। आधा किलो यखनी डाल दी है, अब बाकी 3.5 किलो हम पानी डालते हैं। 3.5 किलो पानी डाल देंगे साथ ही। अब बॉइलिंग पॉइंट आने तक हम इसको ढक देंगे। अब चावल में डालेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें मैंने लिए हैं 2 तेज़पात, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 20 से 25 दाने काली मिर्च और ये जावित्री। बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी अच्छे से आ चुका है, अब हम चावल में से पानी निकाल लेते हैं और इसमें चावल डाल देंगे। ये इसमें 2 किलो चावल डाल दिए। दम लगाने के लिए थाल को इस तरीके से मोटे कपड़े के साथ बंद कर लेंगे। इस बॉइलिंग पॉइंट पे फ्रेंड्स हम तमाम ये मसाला जार डाल देंगे जो साबुत थे। अब एक दफ़े इसको मिक्स कर लेते हैं, साथ ही ये 3 हरी मिर्च भी। इस स्टेज पे फ्रेंड्स एक दफ़ा नमक आप दोबारा से चेक कर लेंगे। पानी जब खुश्क होने लगेगा तो चावल दुगना नज़र आने लगेगा, पानी जब कम रह जाएगा तो आप इसको दम पे लगा देंगे। फ्रेंड्स देखें, बहुत अच्छे तरीके से हमारा पुलाव तैयार हो रहा है। थोड़ा और पानी खुश्क हो जाए तो इसके बाद हम दम पे लगाएंगे। आंच मैंने कम कर दी है, अब हम इसको दम पे लगाते हैं। जी फ्रेंड्स, 20 मिनट हमने दम लगाया है, हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। अब आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा यखनी पुलाव तो दस्तरखान पर आ चुका है। हमने इसको सैलेड और चटनी के साथ सर्व किया है। पुलाव बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं कोफ्ते, इनको मैंने पहले से ही बना के रख लिया था और ये फ्रोजन कोफ्ते हैं। अगर आप कोफ्ते की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में मौजूद है कोफ्ता कड़ी की रेसिपी, तो आप वो रेसिपी देखिए, जानिए और फिर इस तरीके से यहाँ पे आइए वापस और पुलाव को देखिए। यहाँ पे कोफ्ते हैं जी फ्रोजन और इनको मैं यहाँ पे कर लूँगी फ्राई। फ्राई करना है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग सी कोफ्ते हैं। जब ये आप भुनाई कर रहे थे कोफ्ते की, दिल करता है ऐसे ही खा लें। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे जी कोफ्ते फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको साइड पे कर लेंगे। थोड़ा सा इनको टाइम लगेगा फ्राई होने के लिए क्योंकि ये फ्रोजन थे। बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी है, जब एक जैसा दोनों तरफ से कलर आ जाएगा तो यहाँ से हम इसको रिमूव आउट कर लेंगे और हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेज की तरफ, जहाँ पे हमने बनाना है पुलाव। तो पुलाव के लिए हमने पहले ही जो चावल है उनको पहले ही भिगो के रख दिया है। एक अहम बात, जब कोफ्ता फ्राई करेंगे तो आपने जो फ्लेम है वो रखना है लो टू मीडियम। ओके, अब हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, जहाँ पे मैंने ले लिया है एक बड़ा सा पतीला और उसमें मैंने ऑयल पहले से ऐड कर लिया है, तकरीबन ये 1.5 प्याली है कुकिंग ऑयल की। और इसमें ऐड किए हैं मैंने प्याज, प्याज का अमाउंट है 2 बड़े साइज के प्याज हैं, इनको इस तरीके से मैंने पहले ही चॉप कर लिया था। और यहाँ पे हम करेंगे प्याज को गोल्डन ब्राउन।
यहाँ पे प्याज का कलर देखिए टोटली चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ नमक, नमक हंसपे जरूरत भी है। यहाँ पे मैंने नमक लिया तकरीबन 1 टेबल स्पून। उसके बाद यहाँ पे नमक ऐड कर लेने के बाद एक दफ़ा इसको मिक्सअप कर लेना है। और उसके बाद ये जो अनियंस हैं ये मैंने यहाँ से फ्राई हुए हुए रिमूव आउट कर लिए हैं जस्ट फॉर डेकोरेशन। तो यहाँ पे मैं उसको पुलाव के बाद स्प्रिंकल करूंगी। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है पानी, पानी का अमाउंट है तकरीबन हाफ का। तो पानी डाल लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस, जिसमें शामिल है पिसी लाल मिर्च। पिसी लाल मिर्च का अमाउंट है 2 टेबल स्पून। अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो मज़ीद भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमने पिसी लाल मिर्च भी ऐड कर दी है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, टमाटर का अमाउंट है तकरीबन 5 टमाटर हैं। तो ये एक बाउल बड़ा बन चुका है, तो ये मैंने पहले से चॉप करके रख लिए थे। तो यहाँ पे मैंने ये भी ऐड कर दिए हैं, जस्ट एक दफ़ा इसको मिक्स करना है। अब इस मसाले की हम थोड़ी सी करेंगे भुनाई। यहाँ पे टमाटर ऐड कर लेने के बाद मसाले को भून लिया है। इसमें ऐड कर दिए हैं वो कोफ्ते जो मैंने के स्टार्ट में पहले ही क्लिप में दिखाए थे कि मैंने फ्राई कर लिए हैं। अगर आप कोफ्ता बनाने की रेसिपी जो है वो जानना चाहते हैं तो कोफ्ता कड़ी की रेसिपी मेरे चैनल में मौजूद है। सेम वही प्रोसेस है, जस्ट आपने उनको फ्राई नहीं करना, कच्चे ही जो थे वो मैंने फ्रीज कर लिए थे। इसी तरीके से आप भी फ्रीज कर सकते हैं और जब रिक्वायर्ड हो तो आप उसी कोई भी अच्छी सी डिश बना सकते हैं। तो मुझे रिक्वायर्ड थी यहाँ पे कोफ्ता पुलाव की रेसिपी, तो मैंने वो कोफ्ते यहाँ पे यूज कर लिए हैं। और इस तरीके से अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है ताकि इस पानी के अंदर थोड़े से कोफ्ते जो हैं जब भून लिए हैं और मसाले में भी भून लिए हैं तो यहाँ पे अब उनको सॉफ्ट हो जाना चाहिए। तो जब इस तरीके से लेट को कवर कर देना है और अगेन थोड़े से मसाले के अंदर दोबारा से इसकी भुनाई करनी है। और जब ये भून लेंगे तो हम यहाँ से वन बाय वन ये कोफ्ते रिमूव आउट कर लेंगे, क्योंकि हमने अब इसी मटेरियल के अंदर इसी मसाले के अंदर प्रिपेयर करने हैं पुलाव, यानी कि चावल जो है यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो पुलाव यहाँ पे रेडी करना है, तो यहाँ पे मैं इसके तमाम मसाला जात ऐड करूंगी। इसमें मैंने लिया है, तो यहाँ पे बाकी जो मसाले जात मैंने डालने हैं उसमें शामिल है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून ही कुटी लाल मिर्च है। साथ इसमें शामिल है 1 तेज़पात, 1 बादियान का फूल, 2 सब्ज़ इलायची और 2 मोटी इलायची। इस तरीके से ये मैंने इनको यहाँ पे ऐड कर देना है। बस यहाँ पे 1 मिनट के लिए ऑलमोस्ट इस मसाले को भून लेना है। जब इस मसाले को थोड़ा सा 1 मिनट के बाद भून लेंगे तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे पानी। मैंने लिए थे 1.25 किलो चावल और उनको पहले से ही वॉश आउट कर लिया उनको, और उसके बाद मैंने उसको भिगो के रख दिया था। यहाँ पे अब मैं डालूंगी पानी, पानी है 1.25 किलो चावल के मुताबिक 2.5 लीटर पानी यहाँ पे लेंगे। और यहाँ पे तमाम के तमाम मैंने पानी भी ऐड कर दिया है। पानी डाल लेने के बाद लेट इट बॉयल, थोड़े से इसमें बॉइलिंग पॉइंट्स आ जाएंगे, तो फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। लेटर मैं रिमूव करके चेक करूंगी। यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स आ चुके हैं। जब बॉइलिंग पॉइंट्स आ जाएंगे तो हम यहाँ पे चावल जो है 1.25 किलो चावल ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल भी ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे अगेन से वेट करना है कि मज़ीद कुछ बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। जब मज़ीद कुछ बॉइलिंग पॉइंट्स आएंगे तो आपने इस स्टेज पे चेक कर लेना है, चावल डाल लेने के बाद चेक करना है कि जो नमक है उसका अमाउंट आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं है। अगर कम है तो आप मज़ीद स्टेज पे चावल में नमक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है चावल की, मुख्तलिफ किस्म के चावल होते हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि कितना एब्जॉर्ब करता है नमक। तो इस लिहाज से यहाँ पे अब मैंने नमक भी ऐड कर लिया था पहले ही। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ साबुत काली मिर्च जिसका अमाउंट था 1 टीस्पून, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है। इसके बाद इसके अंदर एक दफ़ा इसको स्टिक कर लेने के बाद मैं कुछ ऐड करूँगी स्पाइसेस के लिए। हरी मिर्च इसको भी मैंने बारीक कुतर लिया था, तो यहाँ पे मैंने इसको भी ऐड कर दिया है। नमक वगैरह तमाम स्पाइसेस चेक कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी कोफ्ते, तो मैंने कोफ्ते भी ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हम एक दफ़ा इसको मिक्सअप कर लेंगे। जैसे कि ये बन रही हैं कोफ्ता पुलाव की रेसिपी है, तो ये कोफ्ता पुलाव जो है ये हमारे स्टाइल में है। तो यहाँ पे हमारे स्टाइल में हम ऐड करेंगे हार्ड बॉइल्ड एग्स, इट्स टोटली ऑप्शनल। अगर आप पसंद नहीं करते तो आप बेशक इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। इसको जस्ट एक दफ़ा मिक्सअप कर लेना है, और जब चावल का जो साइज़ है वो दुगना हो जाए और पानी बहुत कम रह जाएगा तो हम इसको लगा देंगे दम। दम लगाना है बिल्कुल लो फ्लेम पे, और इसका जो टाइम पीरियड होगा वो है 15 से 20 मिनट। यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कोफ्ता पुलाव रेडी हो चुका है। सो फाइनली यहाँ पे हमारे पास कोफ्ता पुलाव, गर्मा गर्म कोफ्ता पुलाव ज़बरदस्त से रायते के साथ सिंपल वे में हमने प्रेजेंट किया है, रेडी हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। Thank you.
बनाएंगे शाही मटर पुलाव ऐसा कि जायका आ जाए। बहुत ही कम मसाला जात का इस्तेमाल करते हुए शाही मटर पुलाव तैयार किया जाएगा। आइए शाही मटर पुलाव बनाना शुरू करते हैं। शाही मटर पुलाव बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने डाल लिया है आधी प्याली कुकिंग ऑयल। साथ ही हम इसमें ऑयल के थोड़ा सा गर्म हो जाने के बाद ऐड करेंगे प्याज, एक अदद कटा हुआ दरमियाने साइज का, और प्याज को यहाँ पे हमने फ्राई कर लेना है। प्याज को बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना, लेकिन प्याज का जो कलर होगा वो गोल्डन ब्राउन होने तक आपने फ्राई करना है। बाज लोग कहते हैं कि हमारे पास जो चावल है उसका कलर काफी ज्यादा डार्क हो जाता है, तो तमाम बात डिपेंड करती है आपके प्याज के कलर के ऊपर। अब हम यहाँ पे मसाला जद ऐड करेंगे, जिसमें यहाँ पे मैंने ली है 2 सब्ज इलायची, 4 लौंग, 20 से 21 काली मिर्च, दालचीनी 1 स्टिक, तेजपात 1 अदद, सफेद जीरा चाय का 1 चम्मच, बादियान का फूल 1 अदद और 1 बड़ी इलायची। ये ऐड कर लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं शाही मटर पुलाव। तो यहाँ पे मैंने मटर की मिकदार ली है 1 पाव। ये ऐड कर लेने के बाद इसमें अब ऐड करना होगा 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप दही का। ये तमाम चीजें ऐड कर लेने के बाद अब अच्छे से यहाँ पे मटर को भून लेना है, फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, हस्बे जरूरत हस्बे जायका। ये ऐड कर लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पिसी लाल मिर्च, जिसकी मिकदार है 1 खाने का चम्मच। साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा भून लेने के बाद पानी, जिसकी मिकदार होगी 1 कप। ये डाल लेने के बाद अब हम थोड़ा सा सॉफ्ट रन तक मटर को कुक करेंगे। तो कवर कर दूंगी लिड को, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है, वरना मटर का जो दाना है वो बहुत ज्यादा बॉयल हो जाएगा। तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा इस बात का कि ओवर कुक नहीं करना, हमने मटर को जस्ट लाइट सा सॉफ्ट रन तक पकाना है, क्योंकि फिर जब हम दम लगाएंगे तो दोबारा से भी वो सॉफ्ट हो जाएंगे। मटर को यहाँ पे कुक कर लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, बहुत ही आसान है शाही मटर पुलाव बनाना। पानी की मिकदार यहाँ पे मैंने ली है 2 लीटर, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐड करूंगी 1 किलोग्राम चावल। तो यहाँ पे चावल मैंने पहले से ही भिगो के रख लिए थे। उसके बाद 1 किलोग्राम चावल में जाएगा 2 लीटर पानी। हमने 2 लीटर पानी डाला है, उसके मुताबिक जब तक के वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे चावल जो है एब्जॉर्ब न कर लें, तब तक आपने इसको दम पे नहीं लगाना है। आप देखेंगे हमारे पास चावल कैसे निखरा निखरा जबरदस्त सा आएगा, और शाही मटर पुलाव बहुत ही अमेजिंग सा तैयार होगा, क्योंकि बहुत सारा आपने इसमें स्पाइसेस इस्तेमाल नहीं किए। इवन आप रमजान में भी शाही मटर पुलाव बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि अब रमजान करीब है और रमजान में हम जरा स्पाइसेस को अवॉइड करते होते हैं। तो बहुत ही कम स्पाइसेस में लाइट से ये शाही मटर पुलाव है, पर टेस्ट में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे देखिए पानी काफी हद तक खुश्क होने पे है, और इस स्टेज पे आप एक दफा नमक जरूर टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अमूमन चावल जो है वो बहुत ज्यादा नमक एब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो आप नमक मजीद भी इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पानी काफी हद तक खुश्क हो चुका है, बस इस स्टेज पे हमने लगा देना है दम, और दम का जो टाइम पीरियड होगा वो है 10 से 12 मिनट। हम बना रहे हैं शाही मटर पुलाव, तो शाही मटर पुलाव के लिए हम लगाएंगे बादाम का तड़का। जी हाँ, यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन, और उसमें ले लिया है देसी घी, जिसकी मिकदार है 2 खाने के चम्मच। देसी घी लेकर हमने उसमें भून लेना है बादाम को। तो ये बादाम जितने मैंने लिए हैं उनकी मिकदार है 15 से 18। इनको यहाँ पे हम लाइट सा रोस्ट कर लेंगे, और जबरदस्त सा तड़का लगाएंगे हम शाही पुलाव पे। लीजिए यहाँ पर हमारे पास जबरदस्त सा शाही मटर पुलाव तकरीबन तैयार हो चुका है। जस्ट अब हमने इसके ऊपर लगा देना है बादाम का तड़का। देसी घी में हमने बादाम को लाइट सा रोस्ट किया था, जबरदस्त सा टेस्ट क्रिएट हो जाएगा आपके इस मटर पुलाव में, और ये बन जाएगा हमारे पास अमेजिंग सा इजी रेसिपी के साथ शाही मटर पुलाव। आप देखिए चावल का एक एक दाना कैसे निखरा हुआ है, जबरदस्त सा ये हमारे पास शाही मटर पुलाव यहाँ पे तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कर लीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पसंद आ जाए सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ। इसके अलावा हमारे चैनल पे और भी जबरदस्त सी इजी क्विक और सिंपल सी रेसिपीज मौजूद है, आप जाइए उनको भी विजिट कीजिए, ट्राई कीजिए, कैसी लगी हमें फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, ऐसा ही शाही मटर पुलाव आप भी तैयार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।